अगली खबर शहडोल से, जहां पर एक किसान ने आत्महत्या की कोशिश की है। तो आपको बता दें, इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। दिग्विजय के पुतले को गधे पर बिठाया गया। बयान के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय की जुबान काट दी। आपको बता देंगे, इंदौर में दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। दिग्विजय के पुतले को गधे पर बिठाया है। बयान के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय की जुबान काट दी। इंदौर में दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। दिग्विजय के पुतले को गधे पर बिठाया और बयान के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय की जुबान काट दी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष शर्मा फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से दिग्विजय सिंह का जो बयान आया था उसका विरोध देखने को मिल रहा है, तो इंदौर में किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया? सर, पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हिंदू विरोधी बयान के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा हिंदी कॉलोनी चौराहे पर दिव्य सिंह के पुतले को गधे पर बिठाया गया और फिर उसे जूते चप्पलों से मारकर उस पुतले का दहन किया गया। जी जी, जिस तरह से लगातार विरोध किया जा रहा है, यहाँ पर हमने देखा तस्वीरों में कि गधे पर निकाला गया एक दिग्विजय सिंह का पुतला बनाकर, वहीं एक जगह हमने देखा पोस्टर की जीप काट दी गई है, तो क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिस तरह से उनका जो बयान सामने आया था उसको लेकर अब वो आक्रोश दिख रहा है लोगों में? दिग्विजय सिंह के खिलाफ पूर्व में भी इस तरह के बयान दिए गए हैं, इसी को लेकर युवा मोर्चा द्वारा आज इस तरह का प्रदर्शन किया और उन्होंने आगे भी आग्रह किया है कि इस तरह के बयान दिए जाते हैं रहेंगे तो और उग्र आंदोलन करने की करेगी युवा मोर्चा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बता दें कि इंदौर में दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, दिग्विजय के पुतले को गधे पर बिठाया, वहीं उनके बयान से नाराज होकर दिग्विजय की जीप तक काट डाली।